हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अष्टमाष्ट में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये ऊपर मत जाइएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है APSC, जैसे दोस्तों होता है UPSC, जैसे होता RPSC, ठीक है, जैसे होता है MPSC। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस डिपार्टमेंट की बहुत हाई लेवल की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। और दोस्तों, आई किस में है तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर Grade 1। दोस्तों, ये किसकी वैकेंसी है तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पर पे ग्रेड देखिए, पहले पे ग्रेड से ही आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर देखिए पे ग्रेड कितना है, ये ग्रेड पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर 1 लाख के ऊपर आप जा सकते हैं। एजुकेशन में क्या मांगा है, पास्ट डिग्री एग्जामिनेशन, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। इसमें 120 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। वन शुड बी कंप्लीट 3 ईयर विद द सर्विस ऑफ द, ये मतलब जो 3 साल की सर्विस खत्म कर चुकी उनके लिए अलग है, ठीक है। इसमें लिखा है मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज इन विंडो एर MS ऑफिस, यानी कंप्यूटर नॉलेज और विंडो एंड MS ऑफिस आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में विंडो और MS ऑफिस आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस जी कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, स्टेनोग्राफी स्पीड और इंग्लिश जो आपका वो है, इसमें टाइपिंग जो है आपकी 50 मिनट की, उसके बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखिए आपका दिया हुआ है पूरा, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट अप्लाइड पोस्ट द मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज असम वोटर्स ID PRC इशूज द असम फॉर एजुकेशन पर्पस एज द प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है। एज कितनी मांगी है, एज मांगी है किस से लेकर कितनी, 38, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड बता दी गई 120। अच्छा दोस्तों, ये वैकेंसी कब निकलेगी, दोस्तों ये वैकेंसी निकलेगी 10 लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 10 मई से स्टार्ट है, 4 जून तक है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, देखिए जनरल के लिए अप्लीकेशन फीस, SC के लिए, BPL और PWBD के लिए, इन लोगों के लिए टोटल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर अमाउंट है ये है, जनरल का इतना, SC का इतना, ST का इतना, PWD इतना, ठीक है। तो ये इनके लिए सब है। और दोस्तों आपको जो अब सीधे मुद्दे पे बात आती है वो क्या आती है, या ऑनलाइन फॉर्म है, सबसे बड़ी बात है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अब दोस्तों बताते हैं आपको वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर दोस्तों ओपन वैकेंसी यहाँ टोटल कितनी है, 1 वैकेंसी है, और किसके लिए है दोस्तों, असम वालों के लिए, यहाँ पे असम का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, असम के लोगों के लिए ही है, ठीक है। असम का वहाँ पे रहने का पूरा वो सब पूरा होना चाहिए, ID प्रूफ सब पूरा होना चाहिए, वहीं के लोग इसे भर सकते हैं, असम वालों के लिए है इंग्लिश में, ठीक है। एक लेकिन है कौन सी, APSC, अगर आप आसाम के हैं तो ये फॉर्म आपके लिए, और बहुत बेस्ट फॉर्म है, आप लोग जरूर भरिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी फॉर्म होगा आपको यहाँ पर जरूर बताया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, स्पीड नहीं बढ़ रही, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।